जी आयशा जी आई हैं। जी आयशा जी अस्सलाम हाँ, वालेकुम। ठीक वालेकुम अस्सलाम। आदाब ठाक कैसी रजवाला हैं जी। आप जी? आदाब, जी कैसी मैं हैं ठीक बेटा आप? हूँ, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप अच्छा बताएं कैसे हैं। हाँ, हम भी ठीक हैं। आपकी सेहत ठीक है? सब ठीक ठाक, सब ठीक से चल रहा है ना बेटा? जी, सब ठीक है। चलें, बस आपकी इतनी सी आवाज़ सुनना हम चाहते थे, और हमारे दर्शक भी जो है आपकी आवाज़ सुनना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा आप आई। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? पैगाम एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये सूर्या कॉन्सर है ना, सूर्या आपका माइक कॉन्सर। थोड़ा ठीक कीजिए आयशा जी, आपकी आवाज़ हाँ में कुछ हाँ नहीं आ आप रहा है। हाँ, वो आपको जो सूर्या कॉन्सर है ना, जी, उसकी मुझे वो चाहिए थी, मतलब ट्रांसलेशन क्या है उसकी। एग्जैक्ट मीनिंग हाँ, चाहिए। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसके लिए। अब मीनिंग तो क्या है भाई, अगर वो अल्फाज हमारे सामने हैं तो सबसे पहली मुश्किल तो ये होती है कि अल कौसर का जो है, जो भी ट्रांसलेशन करते हैं वो ट्रांसलेटर्स को या इंटरप्रेटर्स को आज तक पता नहीं चला अल कौसर के एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अल कौसर को अगर हम जो है अरबिक रूट की तरफ ले जाते हैं, तो ये जो है कसरा, काफ से रीन रे, तो कसर का मतलब होता है ज्यादती, ज्यादा। तो अब ये हो सकता है कि कौसर जो है बहुत ज्यादा, कि हमने तुमको बहुत ज्यादा अता किया। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा क्या अता किया, इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है। तो फसल्ली लिरब्बी का वनहर, तो पस तू नमाज पढ़ अपने रब के लिए। और जो है इसमें गला, अब ये नहर का मतलब हमारे जितने भी ट्रांसलेटर्स कहते हैं वो कुर्बानी कर, लेकिन नहर का मतलब होता है गले का नरखरा, नरखरा समझो। तो अब वो कहते हैं कि कुर्बानी में एक जानवर का गला काटा जाता है, तो वो इस माना में कुर्बानी करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मगर ये अभी तक समझ नहीं आए कि वन हर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये पता नहीं चलता। उसके बाद इन्ना शानिया का हुवल अबतर, शान कहते हैं, शान, शानी आ का जो है शा, शान का मतलब होता है दुश्मन या जो है मुखालिफ। तेरा जो मुखालिफ है वही जो है जड़ कटा है, उसी की जड़ जो है कट गई है, ये इसका मतलब है। हाँ, मतलब अगर आसान में बोला जाए, आसान तो इसका कोई सिर पैर नहीं है इस आयत हाँ, का, सिर पैर तो इस अगर नहीं है, सूरत का। आपको कुरान की बेशुमार ऐसी आयतें हैं, बेशुमार ऐसी सूरतें हैं जिनका कोई न सिर है न कोई पैर है। यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर पैर नहीं है, सिर पैर नहीं है जी, ये बात सही। नहीं, आज एक मौलवी साहब से मेरी बहस हो गई थी इसी बात को लेके। तो अच्छा वो आए घर में, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, सूर्या कोसर पढ़िए अच्छा और इसकी तलावत कीजिए, इतनी बार पढ़िए, और फिर आपके जो भी हैं, आपके रुके काम या कुछ भी है, सारी वो आपका मुश्किलात जो है सही हल हो जाएंगी, सारी मुश्किलात हल हल हो हो जाएंगी। जाएंगी। अच्छा तो अच्छा मैंने अच्छा उनसे पूछ लिया, मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मौलवी साहब इसका मीनिंग भी बता दीजिए मुझे। जी तो वो लगे इधर उधर की माने, एक्चुअली मैं मीनिंग उनको खुद पता नहीं था, जी तो वो तो जी इधर हाँ उधर की माने स्टार्ट हो गए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो मैंने अच्छा फिर कहा, जब जिस चीज का खुद ही कोई सिर पैर नहीं है, तो उसको पढ़ने के लिए आप कैसे बोल सकते हैं। तो जी बस वो जी स्टार्ट हो गए, लाहौल वाला कुत, ऐसी बात कर रही जी हो तुम, तुम अल्लाह के काफिर हो कलाम के गए बारे हो। में ऐसी बात करते हो, हाँ काफिर हो गई हाँ, जी, ये काफिर हो तो गई, मुर्तद हो गई है जी। हाँ जी हाँ मर तो गए। जी, ये तो बात तो है जी। ऐसे ऐसे वाक्य हो जाते हैं यहाँ पे। जी हाँ सही बात है बेटा, सही है। तो वैसे भी इस्लाम में सवाल करना तो जायज ही नहीं है ना, जिसने दिमाग का इस्तेमाल किया तो मुर्तदी, उसको तो मुर्तदी मानते हैं। हाँ, फिर जो है ये हजरत यानी इमाम गजाली के मुताबिक, अबू अबू हामिद अल गजाली के मुताबिक, मन तमन तका तजन दका,
मन तमंतका तजंदका, इसका मतलब है कि जो कोई लॉजिक की बात करे, जो कोई अकल की बात करे, वो गोया जो है वो दीन से फिर गया। जो कोई जो है लॉजिक की, अरे भाई इसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों है, अगर ये इस तरह की हम सवाल करेंगे, तो जब सवाल अगर किसी के दिमाग में उभरने लग जाए तो समझ लो कि जो है फिर वो दीन पर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि दीन नाम ही है उस बात का कि हाँ आप अपने सवालों को दबाएं और अपनी लॉजिक को जो है नीचे रखें, चुपचाप मानते रहें। ईमान का जो है सिलसिला, जैसे ही आपके अंदर लॉजिक आ गई, ईमान का सिलसिला जो है कट जाता है, ईमान का सिलसिला खत्म हो जाता है। ये बात तो है, सही है, ऐसा ही है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है, मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़े बड़े लंबी दाढ़ी वालों को बहुत बहुत ज्ञान देने, मतलब बहुत बहुत से ऐसे लोगों को सुना है जो बड़े से बड़ा वो देते हैं, उनको खुद कुरान की असलियत नहीं पता होती, उनको खुद उसकी असल में उसमें है क्या वो नहीं पता होता, बस अरबी में रट लिया है तो रट लिया है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। अगर मैं ये सोचती हूँ, अगर ये उसकी हकीकत जान लें और उसमें क्या है वो अच्छे से विद ट्रांसलेशन पढ़ लें, तो मुझे लगता है 80% खुद ही छोड़ देंगे। जी हाँ, ये बात तो है। अगर जो है हमारे मोमिन भाई मानने की जगह जानने लग जाएं, मानने को पीछे रखें, जानने को आगे रखने वाले बन जाएं, तो मैं समझता हूं कि इनका बेड़ा पार हो जाएगा। इनमें के 50% लोग जो है लॉजिकल हो जाएंगे, वो हमारे रास्ते पर चल पड़ेंगे, सिर्फ ये इस बात पर कि वो मानने को पीछे रखें, जानने को आगे रखें। सिर्फ ये छोटी सी क्लिक जो है उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, उनकी काया पलट जाएगी, कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि मानना असल में एक अंधेरा है और जानना असल में एक रोशनी है। ईमान मानना एक अंधेरा है, इल्म जानना एक रोशनी है। अब आप सोचें कि जो है जब तक इंसान मान रहा होता है तो वो अंधेरे में रहता है, जैसे ही उसने जानने की कोशिश की, वो या उसके हाथ में जो है टॉर्च आ गई, उसके हाथ में मोमबत्ती आ गई, शमा आ गई, अब उसको दिखाई देने लगेगा, अरे यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बात खत्म। वो ईमान का जो है मामला, वो दरवाजा वहां बंद हो जाएगा, अब वो मान नहीं सकता क्योंकि अब वो जान चुका है। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है मोमिनों के लिए, कि जो मोमिन भी जानने की कोशिश करेगा, जाहिर बात है, देखें यहाँ एक बात याद रखें, जब मैं ये कहता हूं कि जो है जानना चाहिए, तो इल्म क्या है, कभी भी बॉक्स के अंदर रहते हुए हासिल नहीं हो सकता। इल्म को हासिल करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, जितने बॉक्सेस के अंदर वो है उन सबको तोड़ना पड़ता है, वो अंडे के खोल से बाहर आना पड़ता है, तब जाकर चूजे को दुनिया नजर आएगी। जब तक वो अंडे के खोल के अंदर है, वो उसको लगेगा कि जो है दुनिया इतनी है। मोमिन का हाल यही होता है, वो कुल मिलाकर जो है कुरान है, वो जो है रसूल है, वो अल्लाह, वहीं घूम रहा है। सुनो, ये सर्कल है, ये सर्कुलर जो स्टेटमेंट होते हैं मोमिनों के, वो असल में यही यही होता है कि वो उस इसमें जो है ये अंडे के खोल में है, अंडे के अंदर है, अंडे के शेल के अंदर है। वो जब इस शेल को तोड़ेगा, वो बॉक्स के बाहर आएगा, तब जाकर जो है उसे पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। और इसी का नाम इल्म है। इल्म जो है अंडे के अंदर रहते हुए हासिल नहीं होता, अंडे के शेल को तोड़ना पड़ता है। तो मोमिनीन अगर ये हिम्मत कर लें, ये जुरत कर लें, ये हौसला पैदा कर लें कि वो जो है इस शेल को तोड़ना चाहेंगे, तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर जो है यूं समझिए कि हिम्मत है मर्दा, वो उनकी हिम्मत ही जो है उनको जो है रोशनी का सफर पे जो है गामजन कर देगी। ये मेरा उनसे कहना होता है ऐसा। जी मैं ये कह रही हूँ, पिछले कुछ इंसिडेंट से मैंने ये, मतलब ऐसे मुझे ये फील हुआ, ऐसे सोचा सोचा कि ऐसी हकीकत है ये, कि कुछ लोग ऐसा है, यहाँ पे मोमिन ऐसे हैं, मतलब कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, ऐसे हैं कि उनको पता है हकीकत क्या है, उनको पता है कि इसमें क्या है, हदीस में क्या है या क्या है कुछ भी, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन बोल दे उस बारे में, हालांकि सच बोल दे,
और बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट बात कर ले, तो उसमें ये इतना बवाल क्यों खड़ा करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ये पॉइंट भी आपका सही है, ये बात भी आपकी सही है। उनको ये पता होता है कि जब आपको आपको ये भी मालूम है ना कि हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, नाम निहाद ये सो कॉल्ड स्कॉलर्स, जो उलमा जिन्हें कहा जाता है, इनको हर चीज़ का पता है कि हदीस के भंडार में क्या क्या है, उनको सब पता है। अच्छा, अब ये जो बवाल चल रहा है पूरी दुनिया में, एक धूम, एक जो है एक तमाशा खड़ा कर रखा है इन्होंने, अरे भाई इनको सब पता है कि जो है इनकी हदीसों की किताबों में, इनके भंडार में क्या कुछ है, और फिर जो है लेकिन वो वही किताबों में जो कुछ है एक खातून ने अगर अपनी जबान पर ला दिया, अगर कह दिया, तो इन्होंने जो है आसमान सर पे उठा लिया, आसमान सर पे उठा लिया, लगा कि इसने कैसे बोल दिया। अरे भाई ये जो कुछ बोला है ये उसने वही बोला है जो इनके इमाम बुखारी ने बोला, जो इमाम तिर्मिजी ने बोला, इमाम अबू दाऊद ने बोला, इमाम निसाई ने बोला, सभी इनके अइम्मा, इनके मुहद्दिसीन ने जो कुछ बोला उस खातून ने वही बोला। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, वही कुछ हाँ कहा है जो बिल्कुल है जो इनके इनके मुहद्दिसीन ने कहा है। इनके अइम्मा जो ये इमाम कहलाते हैं, जो जिनकी सिहा सित्ता जो किताबें जो है इनका जो जखीरा है, जो जो है द मोस्ट ऑथेंटिक ऑथेंटिक जो हदीस का जखीरा है उनमें है, उनमें ये सारी बातें हैं। तो उसने अगर जो है उन्हीं किताबों को कोट किया अपनी जबान से, तो इतना वावेला, इतना वबाल खड़ा हो गया। यही है असल में इनकी जो है डबल स्टैंडर्ड है, और जो है अब क्या किया, दुनिया देख रही है इन सब बातों को। अब तक क्या था, दुनिया को इन बातों का पता नहीं था। वो इस्लाम और हाँ इस्लाम के मानने वालों की असल जो जो रियलिटी है, उनकी जो असलियत है, ये दुनिया के सामने अब से पहले वाजे नहीं हुई थी। अब ये इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की वजह से ये सारी बातें दुनिया के सामने क्लियर कट आ रही है, दुनिया को पता चल रहा है कि क्या कुछ है, दुनिया देख रही है। जी, हाँ और मैं यही खुद इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा ना मेरी बेटी, कि आपने ये भी देखा होगा कि आज ये वो दौर है, स्पेशली भारत में मैं कह रहा हूँ, कि एक तरफ तो ये एक्स मुस्लिम की छोटी मोटी कम्युनिटी है, थोड़े चंद लोग हैं, चंद लोग जिनको आप उंगलियों पे उनके नाम ले सकते हैं, ये चंद लोग जो है ये एक्स मुस्लिम चंद लोग हैं, और दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है जो हमारे देश में है, उनके उलमा हैं, उनके नुमाइंदे हैं उलमा, एक तरफ वो हैं और एक तरफ दो चार नाम हैं। इन दो चार नामों के सामने इनके बड़े से बड़े बड़े से बड़ा आलिम भी टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। ये मैं ओपन चैलेंज करता हूं। अगर हाँ मान ये लें कि हकीकत है। नेशनल टीवी पर अगर एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ इनके उलमा की अगर जो है मान लो 10-20 उलमा भी हैं, और एक तरफ मैं अकेला सच वाला, मैं कुछ सवालात पोस्ट करूंगा और दुनिया देखेगी कि मेरे सवाल क्या हैं इस्लाम को लेकर, और ये लोग लाइव मेरे सवालों का क्या जवाब देंगे, दुनिया देखेगी। कभी ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त जरूर जी आएगा, बहुत जल्द आएगा, और जरूर मैं आएगा। अपने कंडीशन पर यह वक्त लाना चाह रहा हूँ। हालांकि मुझे ऑफर्स आ रही हैं कि आइए आप जो है नेशनल टीवी पर आइए, फलां टीवी पर आइए, मुझे ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन मैं अपने कंडीशन पर जाना चाह रहा हूँ। मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, मैं अपने आप को जो है हाँ मतलब मैं शोहरत नहीं चाहता, मैं पॉपुलैरिटी नहीं चाहता, मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं रियल जो है जो चेंज है वो लाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यह शोहरत के खातिर मैं भी जो है चेहरा दिखाकर कहीं भी चला जाऊं, मैं ये नहीं चाहता। मैं अपनी कंडीशन पर जो है चेंज लाना चाहता हूँ। अगर उलमा को वाकई जो है अगर तुम ये जो है मेरे सवालों का जवाब उनके पास है, तो लाइव चैनल पर, नेशनल टीवी पर जो है एक तरफ मैं अकेला हूंगा, अकेला, और दूसरी तरफ इनके जो है उलमा की भले जितनी सारी तादाद हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सवालों का जवाब ये सारे उलमा मिलकर देंगे, एक एक से मैं एक एक सवाल करूंगा। ये इसके लिए मैं अभी भी तैयार हूँ। नेशनल टीवी पर मुझे बुलाया जाए, एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ इनके उलमा रहेंगे, और दुनिया देखेगी कि सवाल क्या है और जो है इनके उलमा के पास जवाब क्या है, दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। जी जी
जी अब मैं इजाजत लेना चाहूंगी। बेटा ठीक है, अपना ख्याल ठीक रखिएगा, है चलें। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत ठीक है, शुक्रिया बहुत बेटा। जी।